जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.9 यानी 11th की जो मैथ पढ़ रहा है दोस्तों चित्रा प्रकाशन यानी हम लोग कहेंगे लेखक जो है अजय कुमार अग्रवाल जी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो हम प्रोवाइड नहीं करते, वो आपका प्यार ही प्रोवाइड करवाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जिस प्रकार से अधिक कमेंट डालते हो मैं उसी के अनुसार वीडियो को प्रोवाइड करवाने की पूरी तरह कोशिश करता हूँ। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के ये को कमेंट थे कि सर जी वीडियो को सीरियल से पढ़ाइए, वीडियो सीरियल से ही पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों की समस्या को देखते हुए हम लोग उसका समाधान करते हुए ही इस प्रकार से अधिक कमेंट देखकर उसकी वीडियो को सबसे पहले प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके बाद तो सीरियल तो हमारा बना ही है, तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, वीडियो को सीरियल से ही पढ़ाएंगे हम लोग। और वीडियो को बने रहिए अंत तक, आपको वीडियो देखना ही है तभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और वीडियो कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करनी है। स्किप करने से क्या होता है कि कुछ पार्ट्स वगैरह छूट जाते हैं। वीडियो सीक्वेंस से देखते रहिए। तो 3.9 के जो कुछ फार्मूलेज है जो कि आप लोग पढ़ के आ रहे हो तो आपको याद भी होगा, जैसे 3.2 में पढ़ाया था, 3 में पढ़ाया था, 4 में पढ़ाया था, 5 में पढ़ाया था, वही फार्मूले यूज करेंगे हम लोग। साइन 2a का फार्मूला जानते हो, 2 साइन a cos है, cos 2a के चारों फार्मूला जानते हो आप लोग, क्या क्या फार्मूला, चारों फार्मूला, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये चारों फार्मूला यूज करने वाले हम लोग। इसी के अनुसार हम लोग यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। और जो कुछ फार्मूले हम लोग यूज करेंगे इसमें वो भी ध्यान रखना, पीछे से ही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें, ध्यान रखना। साइन सी प्लस साइन डी जो कि फार्मूला है 2 साइन, तो ये जो आपके कुछ फार्मूले हैं इसके प्रयोग करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी कॉस डी में आपके पास दोनों ही कॉस में होगा प्लस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी कॉस डी में यानी माइनस लगे होने पर दोनों साइन का होगा। साइन वाले दोनों में साइन कॉस, कॉस वाले दोनों में प्लस वाले में कॉस, माइनस वाले में साइन। देखिए आपको प्रश्नवली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नवली में ये सब नंबर पहला है, ये है क्वेश्चन नंबर पहला, 2 साइन 3a प्लस साइन 5a, 2 साइन 3a प्लस साइन 5a, जो भी नए नए फार्मूले आए रहेंगे हम लोग प्रयोग करके वो बता देंगे। क्योंकि पीछे अगर आप लोग सीरियल से पढ़ते आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हो तो भी हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा फार्मूले का प्रयोग करेंगे। प्लस साइन ए, प्लस साइन ए और बराबर हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है 4 साइन 3a कॉस स्क्वायर a, 4 साइन 3a कॉस स्क्वायर a। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, कौन साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों में ध्यान रखना, इन दोनों में अगर हम लोग इसको c मान ले और इसको d मान ले तो c बराबर क्या हो गया 5a और d बराबर क्या हो गया a, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी इसको तो वही लिखो 2 साइन 3a प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या है 2 साइन, 2 को 2 लिखो, साइन को साइन लिखो, सी प्लस डी यानी इन दोनों को जोड़ो तो 5a और 1a तो 6a बटे 2, और फिर कॉस लिखो सी माइनस डी इन दोनों घटाओ तो 5 से 1 घटाओ 4a बटे 2, 2 तिया 6, 2 दुनी 4, अब ये हो गया 2 साइन 3a प्लस 2 साइन 3a, ये हो गया कॉस 2a, 2 साइन 3a, 2 साइन 3a ये हो गया कॉमन, तो ये हो गया 2 साइन 3a, जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ 1 बचा, यहाँ कॉस 2a बचा, कॉस 2a। अब ध्यान देना कॉस के साथ कभी भी अगर एक हो तो एक को काटना ही पड़ता है, अगर प्लस का सूत्र हो तो कॉस स्क्वायर का माइनस का सूत्र लगाओगे, मतलब समझोगे इसे कॉस 2a का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, कॉस 2a का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इसलिए सीरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, सीरियल से वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। पता नहीं फार्मूला कहाँ से आ गया, अब इसके लिए तो आपको सीरियल से वीडियो देखना पड़ेगा।
कॉस्ट टू ए अगर प्लस हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर यहाँ माइनस हो तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए लगाओगे। ठीक, इसको तो वही लिखो, 2 साइन 3 ए बराबर बराबर नहीं इन टू 1 माइनस प्लस कॉस, इसके जगह लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 साइन 3 ए कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था और इतना हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। हम लोग कहेंगे एल एच एस इज इक्वल्स आर एच एस, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बी पार्ट क्या है, ये तो ए पार्ट है, इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में ये है कि साइन ए प्लस थ्री बी, कोष्टक में साइन ए प्लस थ्री बी, फिर क्या है साइन थ्री ए प्लस बी, इसके बाद क्या है साइन टू ए साइन टू बी बराबर, प्रूफ क्या करेंगे, टू कॉस ए प्लस बी, टू कॉस ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो इसके पूरे को, इतने के पूरे को मान लेते हैं सी, इतने को मान लेते हैं डी, इतने पूरे को मान लेते हैं सी, इतने को मान लेते हैं डी, साइन सी प्लस साइन डी, नीचे भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ए और तीन ए जुड़कर हो गया चार ए, तीन बी और बी जुड़कर हो गया चार बी बटे दो, और कॉस सी माइनस डी, मतलब इन दोनों को घटाएंगे, ए से तीन ए घटाएंगे तो माइनस दो ए, तीन बी से बी घटाएंगे तो प्लस दो बी बटे दो, इसके बटे बटे में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे साइन टू सी ना, तो टू साइन सी, सी मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो ए प्लस दो बी बटे दो, फिर कॉस दो ए माइनस दो बी बटे दो, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। देखो इसमें चार कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, उसमें दो कॉमन है, उसमें दो भी दो कॉमन है, इसमें तो दो दो रहेगा, एक काम करो इस दो से ये दो कैंसिल कर लेंगे, बटे में कैंसिल कर सकते हैं, साइन को साइन लिखेंगे, चार को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा ए प्लस बी ए प्लस बी, यहाँ पर देखो माइनस दो कॉमन लेंगे हम लोग, जब माइनस दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल दो लिख रहे हैं, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी बटे इसके बटे भी दो और इसके बटे भी दो, पूरे का बटे, अभी माइनस नहीं लिखा इसमें हमने, क्यों नहीं लिखा अभी बताते हैं, साइन इसमें दो कॉमन है तो हो जाएगा साइन दो कॉमन है ए प्लस बी बटे दो, कॉस दो कॉमन है ए माइनस बी बटे दो। ध्यान रखना कि जो कॉस माइनस थीटा है उसका मान प्लस में कॉस थीटा होता है, तो अगर कॉस का कोई भी मान माइनस में हो उसको प्लस कर सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस में कॉस थीटा होता है। देखो यहां से दो कैंसिल, इसमें भी दो से दो कैंसिल, ठीक है यहां माइनस है, ये पूरे तो कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए माइनस बी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहां पर दो से दो कैंसिल, यहां पर दो दूनी चार, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन टू ए प्लस बी बटे नीचे बचा साइन ए प्लस बी। यहां पर एक दिमाग आपको लगाना है कि यहां पर साइन टू ए का फार्मूला लगाएंगे, आखिर साइन टू ए का फार्मूला है क्या, ये होता है टू साइन ए कॉस ए, मतलब यहाँ पर ए बराबर जानते हो क्या, ए बराबर है ए प्लस बी है, टू टू ए की जगह ए प्लस बी, इतना दिमाग आपको लगाना है। तो ये हो जाएगा टू साइन ए, ए का मान हो गया ए प्लस बी, कॉस का मान ए यानी ए प्लस बी, और बटे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कैंसिल, क्या बचा टू कॉस ए प्लस बी,
अब देखो 2cos A + B जो है ना, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। है बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो इसके सी पार्ट, इसके सी पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बटे साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस बी, मतलब साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी बराबर। प्रूफ करना है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी ये जो है हमें प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको जब 3.4 पढ़ाया था तब भी बताया था, जब भी साइन 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 कॉस कॉस साइन कॉस कॉस अगर गुणा में हो तो दो का गुणा व भाग करते हैं, करना पड़ेगा हमें, दो का गुणा व भाग करना पड़ेगा हमें। देखो इसमें वर्गा, ये फार्मूला ही है वर्गांतर का, एक कोष्टक में साइन ए प्लस बी और एक कोष्टक में साइन ए माइनस बी। अब ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला ही है जो 3.4 में मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। इसमें दो का गुणा भाग कर रहा है, ये दो का गुणा कर लिया, ये दो का भाग कर लिया हमने, तो ये जगह साइन टू ए और कॉस साइन ए कॉस ए माइनस, दो का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, क्योंकि प्लस या माइनस होने पर सभी में गुणा किया जाता है, प्लस माइनस होने पर सभी में गुणा किया जाता है, तो हो जाएगा टू साइन बी कॉस बी। अब समझना, इसको तो ऊपर ज्यो का त्यो लिखेंगे, ये हो गया टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बटे साइन टू ए का फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए कॉस है, तो टू साइन ए कॉस है तो साइन टू ए का फॉर्मूला हो गया, ये तो ये हो गया साइन टू ए और माइनस साइन टू बी। अब देखो इतने को अगर सी मान लेते हैं और इतने को अगर डी मान लेते हैं तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का तो वही लिखेंगे टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बटे टू। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है टू कॉस सी प्लस डी बटे दो, तो टू कॉस सी, सी का मान क्या है दो ए, डी का मान है क्या दो बी बटे दो, साइन सी माइनस डी तो साइन दो ए माइनस दो बी बटे दो। अब इसमें ध्यान रखना कि दो दो कॉमन है, इस दो से दो कैंसिल, जब दो दो कॉमन है तो ऊपर बचा, ऊपर तो वही बचा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बटे, ये हो गया कॉस, दो कॉमन है तो ए प्लस बी बटे दो और साइन दो कॉमन है तो ए माइनस बी बटे दो, दो से दो कैंसिल हो गया, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी कैंसिल हो गया, साइन ए बटे कॉस ए फार्मूला क्या होता है टेन ए, तो ए की जगह ए प्लस बी तो ये हो गया टेन ए प्लस बी। और दोस्तों यही हमें प्रूफ करके दिखाना था जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, और फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन में दूसरे का ए करेंगे, दूसरे का ए क्या है, साइन टू ए बटे वन प्लस कॉस टू ए बराबर टेन ए में प्रूफ करना है, टेन ए प्रूफ करना है। देखो पहले साइन टू ए का फार्मूला लगाओ, साइन टू ए का फार्मूला अभी आप लोग देख चुके हो क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए बटे कॉस, अगर वन यानी वन प्लस में है तो कॉस हमेशा कॉस के साथ एक होने पर एक को काटोगे, अगर प्लस है तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन लगाओगे, अगर माइनस है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए लगाओगे, तो यहाँ पर वन प्लस ए लगाओगे टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया टू साइन ए कॉस ए बटे दो कॉस स्क्वायर ए, दो से दो कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, साइन ए बटे कॉस ए बचाओ, साइन ए बटे कॉस ए होता ही क्या है टेन ए, और यही दोस्तों हमें प्रूव करना था। लिख देना आप लोग कि एल एच एस इज इक्वल्स आर एच एस, दूसरे का बी पार्ट में क्या कह रहा है देखे जरा।
बी पार्ट, साइन ए प्लस साइन टू ए, साइन ए प्लस साइन टू ए बटे बटे वन प्लस कॉस ए प्लस कॉस टू ए, वन प्लस कॉस ए प्लस कॉस टू ए, वही फिर से सिस्टम वही है। साइन ए को साइन ए लिखो, साइन टू ए की जगह फार्मूला लगाओ, ये साइन टू ए का फार्मूला है, साइन टू ए का टू साइन ए कॉस ए बटे वन को वन लिखो, कॉस ए को कॉस ए लिखो, कॉस के साथ हमेशा वन होने पर उसको काट देते हैं, और किस फार्मूले से काटेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस है तो प्लस होने पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कॉस टू ए का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ऊपर देखो साइन ए कॉमन है, ऊपर साइन ए कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा वन, वन बचा, यहाँ पर टू कॉस ए बचा, टू कॉस ए बटे देखो नीचे कॉस ए कॉमन है तो यहाँ वन बचा, प्लस देखो टू कॉस ए क्योंकि स्क्वायर है ना तो टू कॉस ए, ये वन प्लस टू कॉस ए, टू कॉस ए कैंसिल, बराबर क्या हो गया साइन ए बटे कॉस ए, फार्मूला होता है टेन ए, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि इसके बराबर टेन ए प्रूफ करके दिखाओ, तुम लोगों ने टेन ए को प्रूफ करके दिखा दिया है। अब देखो वन का सी, वन का सी पार्ट में कॉट ए माइनस टेन ए बटे कॉट ए प्लस टेन ए बराबर कॉस टू ए प्रूफ करके दिखाना है, हम लोग करेंगे दूसरे का सी, क्या है कॉट ए माइनस टेन ए, कॉट ए माइनस टेन ए बटे कॉट ए प्लस टेन ए बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है कॉस टू ए, तो हम लोगों ने कौन सा साइड ले लिया, तो हर एक में आप लोग लिखना, जब भी कॉपी में लिखना ना तो एल एच एस लिखना, ऐसे जैसे हम लोग, हम तो आपको सॉल्विंग बता रहे हैं तो कहीं लिख रहे कहीं नहीं लिख रहे, आप लोग हमेशा एल एच एस हल करोगे तो एल एच एस लिखोगे, और लास्ट में जब आंसर दिखाते हैं आप लोग ये भी दिख लिखोगे एल एच एस इज इक्वल्स आर एच एस। देखो सबसे पहले तो ये अब आ गया हमारे पास 3.2 के लिए, 3.2 में हम लोगों ने पढ़ा था कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए, और माइनस इसका फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए पूरे का बटे, ये होता है कॉस ए बटे साइन ए प्लस ये होता है साइन ए बटे कॉस ए। ऐसा क्यों किया, साइन कॉस में क्यों हमने तोड़ा, क्योंकि आपको पता है फार्मूला ही आपको प्रूफ करवा रहा है इससे कॉस टू ए, तो कॉस में तो करना ही पड़ेगा आपको, भिन्न नहीं करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, वही क्रिया इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया इसके साथ तो माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए बटे इसके साथ इसका हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस हो गया साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए। दोस्तों इससे ये कैंसिल, ये दोस्तों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस टू ए का प्रथम सूत्र है, कॉस टू ए के चार सूत्र है ना, पहला सूत्र कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा सूत्र है होता है आपका टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तीसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और चौथा वन माइनस टेन स्क्वायर बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है एक, तो ये हो गया कॉस टू ए, और ये आ गया आपके पास आंसर, ये कॉस टू ए का फॉर्मूला है, और ये बटे में एक, एक के साथ भाग लगाने पर वही संख्या रहता है, तो क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है ये एक के बराबर। अब हम लोगों ने कौन सा सॉल्व किया, दूसरे का सी सॉल्व कर लिया है। अब देखो तीसरा का ए, तीसरे का ए, तीसरे का ए क्या है, तीसरे का ए में है टेन ए बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू, टेन ए बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू, तो इसके बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, इसके बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है टू कॉस ए। सबसे पहले देखो टेन कॉट को हमेशा साइन कॉस में ही तोड़ते हैं, टेन कॉट को हमेशा साइन कॉस में ही तोड़ोगे, टेन ए बाई टू तो इसको लिखोगे साइन ए बाई टू बटे कॉस ए बाई टू, प्लस इसको लिखोगे कॉस ए बाई टू
बट ए साइन ए वाई टू भिन्न करेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका गुणा करेंगे, तो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए वाई टू, इसके साथ इसके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए वाई टू, बटे हो जाएगा साइन ए वाई टू कॉस ए वाई टू। साइन कॉस कभी भी अगर गुणा में हो, दो का गुणा वहाँ करते ही है, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बाई टू ये होता है एक के बराबर, किसका होता है एक के बराबर, तो ये हो गया एक बटे साइन ए वाई टू कॉस ए वाई टू। अब हम लोग इसमें भी दो का गुणा कर रहे हैं, इसमें भी दो का गुणा कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, लेकिन अगर यहाँ पर टू ना हो तो यहाँ पर फार्मूला होता है टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। मतलब ये आपके पास फार्मूला हो गया है टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, साइन ए का फार्मूला हो गया, साइन ए का फार्मूला होता है टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, यानी यहाँ पर टू ना होने पर यहाँ पर बटे दो, बटे दो होता है, ठीक। तो एक बटे साइन ए बाई टू ये फार्मूला होता ही है कॉस एक, तो क्या कॉस एक ए, यानी एक दो बटे साइन ए ना, तो एक बटे साइन ए फार्मूला होता है कॉस एक, तो ये आपके पास हो गया दो ऑलरेडी पहले से था, तो ये आपके पास हो गया आंसर तीसरे का पहला। तीसरे का बी पार्ट क्या है, तीसरे का बी पार्ट में है कॉट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू बराबर टू कॉट ए, देखो कॉट ए बाई टू दूसरे का यानी तीसरे का बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट में ये है कॉट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू, कॉट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू बराबर हम लोग प्रूफ जो करेंगे टू कॉट ए, क्या प्रूफ करेंगे टू कॉट ए, चेंज तो आप लोग करोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू, इसको लिखोगे साइन ए बाई टू बटे कॉस ए बाई टू, भिन्न करोगे इसके साथ इसका गुणा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू बटे ये हो जाएगा साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। आपको रूल्स पता है साइन कॉस गुणा में होने पर दो का गुणा भाग करते ही है, तो यहाँ पर प्लस होने पर इसका मान एक होता है, लेकिन आप लोग जानते हो अभी बताया था यही कहीं ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है कॉस टू ए का प्रथम फार्मूला, अगर यहाँ पर दो ना हो तो बटे दो होता है, मतलब समझना कॉस टू ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन अगर टू ए ना हो तो फिर ये अगर बाई टू हो तो केवल कॉस ए का फार्मूला होता है, तो ये हो गया कॉस ए, ये पूरा हो गया कॉस ए, और ये हो गया साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, दो का गुणा भाग कर लिया हम लोगों ने, तो ये दो को दो लिखो कॉस ए टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, फार्मूला है किसका, यह है साइन ए का, तो साइन कॉस ए बटे साइन ए फार्मूला क्या होता है कॉट ए, तो दो कॉट ए। अरे ही दोस्तों जो है हमें प्रूफ करके इनको बताना था, तो प्रूफ करके बता दिया हम लोगों ने, थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना होगा। देखो तीसरे का बी पार्ट के बाद चौथे का ए पार्ट, चौथे का ए पार्ट, चौथे का ए पार्ट में ये है कि 1 माइनस कॉस टू ए बटे 1 प्लस कॉस टू ए बराबर टेन स्क्वायर ए बाई टू, मतलब यहाँ पर 2a नहीं है, यहाँ पर केवल a है, यहाँ पर a है टेन स्क्वायर ए बाई टू। ध्यान रखना कभी भी कॉस के साथ एक होने पर उसको कैंसिल करते हैं, अगर प्लस में है तो साइन, अब कॉस का फार्मूला माइनस में है तो साइन का फार्मूला लगाते हैं, मतलब समझना कॉस ए का फार्मूला होता है दो कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, और एक होता है कॉस ए बराबर फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, इन दोनों फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग वन माइनस, अब इसमें ये फार्मूला लगाएंगे तो इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, हमेशा माइनस होने पर माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो वन प्लस में है माइनस हो गया, ये माइनस में है प्लस हो गया, दो साइन स्क्वायर ए बाई टू बटे ये हो जाएगा वन प्लस, इसको लिखेंगे हम लोग टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल। अब आप लोग देख पा रहे दो से दो भी बाद में कैंसिल होगा, तो एक लाइन कम कर देते हैं, साइन बटे कॉस क्या फॉर्मूला होता है टेन होता है,
तो ये होगा टेन स्क्वायर ए बाई टू, यही तो प्रूफ करवा रहा था क्या, टेन स्क्वायर ए बाई टू प्रूफ हो गया। चौथे का बी पार्ट, चौथे का बी पार्ट में क्या है, चौथे का बी पार्ट में ये है कि वन माइनस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए, नहीं ये नहीं है, साइन टू ए बटे साइन टू ए, ये तो इसी का ही था, साइन टू ए बटे वन प्लस कॉस टू ए, वन प्लस कॉस टू ए इंटू कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए, कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए, एक बार रीचेक कर लेते हैं, हाँ बराबर टेन ए बटे दो। अब आप लोग जानते हो कि साइन टू ए का फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया था, टू साइन ए कॉस ए, और कॉस के साथ एक होने पर उसको काटना पड़ता है, तो ध्यान देना यहाँ पर साइन टू ए का फॉर्मूला हो गया टू साइन ए कॉस ए, ठीक, बटे वन को वन लिखोगे, इसको इसमें फार्मूला कौन सा लगा होगा, प्लस वाले में फार्मूला ये लगाते हैं, तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन इंटू में ये हो गया कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए, वन प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, ठीक, दो से दो कैंसिल, वन पहले ये कैंसिल हुआ, फिर दो से दो कैंसिल हुआ, फिर कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन बटे क्या बचा, साइन ए बटे वन प्लस कॉस ए, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू बटे वन माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, दो से दो कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो ये हो गया टेन ए बाई टू। यही दोस्तों जो है आपको प्रूफ करवा रहा था, फटाफट इसका इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन आज खत्म करने वाले हैं। दो चौथे का सी, चौथे का सी आपके पास बोर्ड में देख ही रहे हो ये है, और हमें टेन ए प्रूफ करके बताना है। सबसे पहले देखो कॉस टू ए का फार्मूला लगाएंगे तो वन माइनस, अब कॉस टू ए का फार्मूला अभी आप लोग देख चुके हो, कॉस टू ए का फार्मूला यहाँ पर नीचे क्या लगाएंगे, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक, और प्लस साइन टू ए का फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए, यहाँ पर फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर यानी वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए और प्लस टू साइन ए कॉस ए। अब ध्यान देना इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर देखो टू टू साइन साइन, टू साइन कॉमन है, ऊपर टू साइन ए कॉमन है, बचा क्या, यहाँ बचा केवल साइन ए प्लस यहाँ बचा कॉस ए बटे, यहाँ क्या बचा टू कॉस ए कॉमन है तो बचा कॉस ए प्लस यहाँ क्या बचा साइन ए, बस प्लस में आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल दो से दो कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या साइन बटे कॉस टेन ए, तो हमारे पास ये प्रूफ भी हो गया, तो यही प्रूफ कर रहा था। सवाल नंबर पाँच में मैं टू टेन ए बराबर थ्री टेन बी, वो हमसे टेन ए माइनस बी बराबर इतने को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर टू इसको बटे में पहुँचा दो तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा तीन बटे दो टेन बी, क्यों, क्योंकि हमें टेन बी को रखना है ना, प्रूफ करना है बी में प्रूफ करना है। देखो टेन ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी, जो कि फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, 3.6 जरूर पढ़ लेना, वन प्लस टेन ए टेन बी, ये उसी से ही फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। अब इसके जगह पर हम लोग टेन ए के जगह क्या लिखेंगे, टेन ए के जगह लिखेंगे तीन बटे दो टेन बी, तो तीन बटे दो टेन बी माइनस टेन बी के जगह लिखेंगे हम लोग टेन बी लिखेंगे, बटे वन के जगह वन और ये लिखेंगे थ्री बाई टू टेन बी, और एक टेन बी ऑलरेडी है तो ये जगह टेन स्क्वायर बी, इसके बटे एक मान के भिन्न करेंगे, इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन टेन बी, इसके साथ इसका गुणा करेंगे
तो दो टेन बी बटे दो एकम दो, इसके साथ इसका गुणा करेंगे दो एकम दो, प्लस हो जाएगा तीन टेन स्क्वायर बी बटे दो, से दो कैंसिल बचा के ये घटाएंगे तो टेन भी बचेगा, तो तीन टेन भी से दो टेन भी घटाओगे टेन भी बचेगा, टेन भी बटे ये दो प्लस टेन स्क्वायर भी, हमें देखो साइन कॉस प्रूफ करना है तो साइन कॉस के लिए इसको साइन कॉस में तोड़ो फिर, तो टेन भी बराबर फार्मूला हो गया साइन बी बटे कॉस बी बटे ये हो गया दो, फिर से एक बता देना दो प्लस में था ये दो प्लस थ्री टेन स्क्वायर बी, दो प्लस थ्री टेन स्क्वायर बी, तो दो प्लस ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी, इसके बटे एक मान के भिन्न करेंगे तो ऊपर तो वही लिखेंगे साइन बी बटे कॉस बी बटे, अब बटे मतलब इसको उल्टा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये पहुंचेगा ऊपर, तो ऊपर पहुंच जाएगा कॉस स्क्वायर बी बटे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो दो कॉस स्क्वायर बी प्लस, अब देखो साइन एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें कॉस के रूप में नीचे कॉस ही रखना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे तीन को तीन लिखो, इसको लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी को वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, अब ध्यान देना यहाँ पर साइन बी कॉस बी क्या बचा, साइन बी कॉस बी बटे, अब ये हो गया दो, ध्यान देना दो दो ही तो हाँ दो कॉस स्क्वायर बी, दो कॉस स्क्वायर बी और प्लस इसके इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो तीन, माइनस इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो तीन कॉस स्क्वायर बी, अब दो का गुणा व भाग कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जानते हो साइन कॉस कभी भी अगर गुणा में हो, साइन साइन गुणा में हो, कॉस कॉस गुणा में है, दो का गुणा करते हैं, ये साइन टू बी का फार्मूला है, टू साइन बी कॉस बी, ये साइन टू बी का फार्मूला है, साइन टू बी बटे में ये हो गया दो कॉस स्क्वायर बी और ये हो गया तीन कॉस स्क्वायर बी घटकर माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो गया दो माइनस कॉस स्क्वायर बी और ये तीन प्लस तीन, ठीक तीन को हम लोग ऐसे लिख सकते, देखो पहले दो का अंदर गुणा कर लो, तो ये हो गया साइन टू बी, साइन टू बी बटे इसके से गुणा करेंगे तीन दूनी छः, तीन दूनी छः पहले दो के साथ दो कॉस स्क्वायर बी, दो कॉस स्क्वायर बी प्लस तीन दूनी छः, इसको वैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे इसको लिख सकते हैं कि साइन टू बी बटे छः को लिख सकते हैं हम लोग पाँच माइनस पाँच प्लस एक माइनस दो कॉस स्क्वायर बी, अब ध्यान देना इन दोनों में माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन टू बी बटे पाँच माइनस, तो ये माइनस का ही प्लस का हो गया टू कॉस स्क्वायर बी और ये माइनस का हो गया, तो ये हो गया साइन टू बी बटे ये हो गया पाँच और ये टू कॉस स्क्वायर बी माइनस वन, ये कॉस टू बी का फार्मूला है और यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था और हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छः का ए पार्ट में कॉस सात अंश कॉस चौदह अंश, कॉस सात अंश कॉस चौदह अंश, चौदह दुनी अट्ठाईस और अट्ठाईस दुनी छप्पन बराबर प्रूफ करना है साइन अड़सठ बटे सोलह कॉस तिरासी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर साइन सात का ऊपर नीचे गुणा कर लो, कैसे साइन नहीं दो साइन सात का ऊपर नीचे गुणा करो, दो साइन सात और कॉस सात इसको वही लिखो, तो हो गया कॉस चौदह अंश कॉस अट्ठाईस अंश कॉस छप्पन अंश बटे
ये हो गया 2 sin 7 अंश, 2 sin 7 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, तो यहां से इतना ये साइन 2a का फॉर्मूला बना 2 sin a cos a, तो साइन 2a होता है, तो एक जगह 7, 7 × 14 हो गया, क्या हो गया 7 × 14, तो ये हो गया साइन 14 हो गया, इतना साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2 मतलब फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a का, 2 sin a cos a, तो एक जगह 7 है, एक जगह 7 है, तो 7 × 14, क्योंकि 2a होगा ना, तो 7 × 14, और ये हो गया cos 14 cos 28 cos 56 बटे 2 × 4, 2 का ऊपर भी गुणा कर रहे, 2 का नीचे भी गुणा कर रहे, और साइन 7 अंश, यहाँ से ये फिर फार्मूला बन गया साइन 2a का, साइन 2a मतलब 14 × 28 हो गया अब, तो ये हो गया साइन 28 cos 58 cos 56 बटे, फिर से ऊपर नीचे 2 को गुणा कर रहे हैं, तो 4 × 8 साइन 7 अंश, ये फिर से फार्मूला बना साइन 2a का, तो ये हो गया आपके पास साइन 56 cos 56 cos 56 बटे 8 × 16 साइन 7, फिर से ऊपर नीचे 2 को गुणा कर रहे हैं, तो फिर से साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, तो ये अब की बार 56 × 2 कितना हो गया, 6 × 12, यानी ये बन गया आपके पास साइन 6 × 12 बचा 1 × 5 × 10 = 11, 112 बटे 16 साइन 7 अंश। अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है साइन 68 बटे cos 83, तो देखो साइन कॉस में चेंज करना है, मतलब हम लोग जानते हैं कि इसको चेंज करेंगे साइन 180 - 68, और इसको हम लोग 16 को 16 लिखेंगे साइन, इसको लिखेंगे हम लोग 90 - 83। देखो अब समझना, यहाँ पर दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले हम बता रहे हैं, लिख नहीं रहे क्योंकि अभी एक सवाल आपका बाकी है, तो इतने में सॉल्व कर देंगे, फार्मूला लिखेंगे तो उसका जगह आप लोगों को गिर जाएगा, समझना साइन 180 माइनस थीटा माइनस प्लस का साइन थीटा होता है, साइन 180 से 68 घटा के देखो 112 ही बचेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया, तो ये आपके पास 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 180 माइनस 68 साइन 68 बटे 16, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 90 से 83 घटाओ सब बचेगा, तो ये हो गया कॉस 83, तो यही दोस्तों प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर लिया। अब सवाल नंबर इसी का बी पार्ट, 6 के बी पार्ट के लिए फार्मूला नहीं लिखा था हम लोगों ने, ठीक है 6 का बी पार्ट देखिए, cos π/65 सेम फार्मूला है, सेम तरीका है, बस पाई बटे 65 देखते रहिए, cos π/65 cos 2π/65 4π 8π 16π, मतलब ये हो गया cos 2π/65 cos 4π/65 8π 16π cos 8π/65 cos 16π/65 cos 32π/65 बराबर 1/64 हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। सबसे सेम कंडीशन, ऊपर नीचे 2 sin ठीक पाई बटे 65 का गुणा करेंगे, और ऊपर हम लोग सेम वही लिख देंगे cos π/65 cos 2π/65, आगे आप लोगों को पता है डॉट कर दिया, मतलब यही तक है, इससे आगे नहीं, बस आप लोगों को हो सकता है फ्रेम में ना दिखे इसलिए हम लोगों ने यहीं तक लिख दिया, मतलब यहाँ तक है, और बटे 2 sin π/65 का गुणा कर रहे ऊपर नीचे, तो sin π/65 ठीक। अब ध्यान देना, इतना फार्मूला बना, किसका बना फार्मूला जानते हो, 2 sin a cos a sin 2a का फार्मूला बना, मतलब sin 2π/65 का फार्मूला बना, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन, ध्यान देना साइन 2π/65 और कॉस, ये
टू पाई बटे पैंसठ प्लस कॉस फोर पाई बटे पैंसठ एट पाई बटे पैंसठ सब है ठीक है। अब मान लेना बटे हम लोगों का क्या है ऊपर नीचे फिर से दो को बड़ा करेंगे, दो को ऊपर बड़ा कर लिया नीचे तो हो जाएगा चार साइन पाई बटे पैंसठ। फिर से इसको समझना, ये फिर से किसका फार्मूला बना साइन टू ए का, तो साइन टू ए मतलब दो दूनी अब की बार चार, तो साइन चार पाई बटे पैंसठ और यहाँ पर कॉस चार पाई बटे पैंसठ। दोस्तों जगह के कम के वजह से आपको बता देते हैं कि आप लोग समझते रहे ना आराम से, बटे अब चार दूनी आठ करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे फिर से दो को बड़ा कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया साइन पाई बटे पैंसठ ठीक। ये फिर से साइन टू ए का फार्मूला बना, तो साइन टू ए का फार्मूले के अनुसार ये हो गया एट पाई बटे पैंसठ, तो ये हो गया साइन एट पाई बटे पैंसठ और ये कॉस एट पाई बटे पैंसठ, एट पाई बटे पैंसठ। और बटे में आपके पास ध्यान देना, बटे में है, बटे में बताते हैं, बटे में क्या है आपके पास आठ दूनी सोलह, ऊपर नीचे गुणा करना, तो ध्यान देना अगर बाई चांस फ्रेम में नहीं आ रहा तो सुन लेना, सोलह और साइन पाई बटे पैंसठ, बस सोलह साइन पाई बटे पैंसठ ठीक। अब ये फिर से फार्मूला बना, वही जो इसमें किया वही इसमें करते करते जा रहे, तो ये साइन सोलह पाई बटे पैंसठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन साइन सोलह पाई बटे पैंसठ और अब की बार साइन कॉस सोलह पाई बटे पैंसठ है, ये कॉस सोलह पाई बटे पैंसठ, फिर कॉस बत्तीस पाई बटे पैंसठ और बटे में हमारे पास क्या है सोलह पाई बटे पैंसठ है, तो हम लोग लिखेंगे अब की बार बत्तीस साइन पाई बटे पैंसठ क्योंकि ऊपर नीचे दो को गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो अब की बार फिर से ये दो को गुणा के अनुसार ये हो गया साइन सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस पाई बटे पैंसठ कॉस बत्तीस पाई बटे पैंसठ बटे बत्तीस दूनी चौंसठ ऊपर नीचे दो को गुणा करेंगे साइन पाई बटे पैंसठ। ये फिर से फार्मूला बना, तो ये फार्मूला बना अब की बार साइन बत्तीस दूनी चौंसठ, चौंसठ पाई बटे पैंसठ बटे चौंसठ, चौंसठ दूनी एक सौ चौंसठ है हाँ चौंसठ साइन पाई बटे पैंसठ। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग अब चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे दोस्तों को बता दे कि इतना तो आप लोगों ने कर लिया, इतना आपको रेस कर देते हैं, इतने बताते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग, इतने को वीडियो को बैक करके आप लोग देख लेना। साइन हम लोग जानते हैं कि साइन यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं जो कि फार्मूला इसमें नहीं लिखा था, हम लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा और साइन 90 नहीं बस एक ही फार्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पर साइन को लिख सकते हैं चौंसठ को एक यानी पाई, पाई का मतलब 180 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं चौंसठ पाई बटे पैंसठ, चौंसठ पाई बटे पैंसठ। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होगा तो साइन चौंसठ बटे चौंसठ पाई बटे पैंसठ होगा, तो साइन चौंसठ पाई बटे पैंसठ है और बटे बटे क्या है चौंसठ साइन पाई बटे पैंसठ। अब इसको हल करो, पैंसठ एकम पैंसठ, पैंसठ से एक घट गया सॉरी पैंसठ एकम पैंसठ, पैंसठ से चौंसठ घट गया तो एक बचेगा, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा साइन पाई बटे पैंसठ बटे चौंसठ साइन पाई बटे पैंसठ, साइन पाई बटे पैंसठ साइन पाई बटे पैंसठ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या एक बटे चौंसठ। हमें दोस्तों प्रूफ क्या करना था एक बटे चौंसठ, और देखो बड़े आराम से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। वीडियो को थोड़ा सा सीक्वेंस यानी थोड़ा सा बैक करके दोबारा इसको देख लेना, आराम से देख लेना, अगर ये फ्रेम में नहीं आ पा रहा अभी आपको फ्रेम में दिखाते हैं तो उससे पहले दोस्तों इतने का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम लोगों ने 3.9 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, अब फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिए आपको कौन से पार्ट है, कौन से एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए, मैं उसी की वीडियो को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अब लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट।